एनीवे ऑप्शनच नव्हता. तीन वर्ष आमचा रोमांस झाला, आई बाबांशी भांडून लग्न केलं. एंड देन मुंबई में खुद का घर हो, ये ड्रीम सा था हमारा. लेकिन ये मुंबई के रेट्स, वो न्यू कमर आरजे और मैं फ्रेशर सीए, लोन लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास. माझा रात्री 12 ते 3 चा स्लॉट असतो, त्याच्या आधी असेच ऑड जॉब्स करून इंस्टॉलमेंटचा माझा शेअर मी भरून टाकतो. पिछले 2 साल से एक भी लीव नहीं ली है. स्टेशन तक टैक्सी रिक्शा से नहीं, बस से जाती हूँ मैं. इस घर के लिए कितने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं मैंने. मी सुद्धा काही स्वस्त बसून नाही राहत, डे नाईट स्ट्रगल करतो. मुंबईत जरा ब्रेक घेतला ना की आपली जागा घ्यायला मागे 10 लोक उभे असतात. सांगू आ चुकी हूँ मैं इतना सब कुछ कर तो रही हूँ. रोज तेज आपलं सुबह पानी भरने जाती हूँ तो लेडी स्पेशल छूट जाती है. बाय. बट ही जस्ट डजंट केयर. इकडे धुवायला पण वेळ नाही माझ्याकडे. देयर आर बेनिफिट्स ऑफ मैरिज, एक्सपेंसेस शेयर हो जाते हैं, दैट्स इट. अदर देन दैट, एक सेकंड. हेलो, रोज रोज नहीं बोलती पिकअप करने आओ. एक फेवर चाहिए था. इस बारिश ने तो मेरा जीना हराम किया. ये बारिश होती क्यों है? और ऊपर से मैं चाय बना रहा हूँ, मैं कॉफी पीती हूँ. तुम्हारी चाय? एक ही कप दूध था. वो एक्चुअली बारिश आ रही थी और इट्स ओके. शोभा पाटिल और हम उनसे बात करने जा रहे हैं. मुंबई में बारिश ही क्यों होती है? यहाँ खेती नहीं है, गरण भी नहीं है, ताला बिला भर गए ना, बस हो गया. हमें क्यों तकलीफ? मैं तो कहती हूँ मुंबई में बारिश ही नहीं होनी चाहिए. आप देख सकते हैं कि मुंबई की इस बारिश में कॉफी, मैं कॉफी कहाँ पीता हूँ, मैं आपके लिए कैसे पी सकती हूँ? एक बार मुंबईत एक चिमुकलं घरटं असावं म्हणून एवढी धडपड करतो, पंखांची फडफड करतो. मग एक एक काडी जमवण्यासाठी दूर आकाशात उडून जातो. 4 भिंती सांभाळताना एकमेकांमध्येच एक भिंत उभी करतो. मुळात सहवास महत्वाचा असतो हेच विसरून जातो. कदाचित म्हणूनच कधी जोराचा पाऊस पडतो, गर्दीच्या गोंगाटाला ठप्प करून फायनान्शियल पोल्युशन मध्ये प्रेमाला श्वास घ्यायला मोकळी हवा देतो. 2 स्वतंत्र पक्षी एकत्र का आले याची आठवण करून देतो. कहा गए हो? सॉरी, मुझे तुम्हें लेने आ जाना चाहिए था. थैंक यू. थैंक यू. ये बारिश कितनी रोमांटिक है. हाँ, इसीलिए बारिश होती है.